योगी सरकार के मत्स्य मंत्री संजय निषाद सोमवार को आगरा पहुंचे। सर्किट हाउस में मंत्री संजय निषाद मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है। यह पीएम मोदी के विश्वास और भरोसे की जीत है। पीएम मोदी के माइक्रो मैनेजमेंट से भाजपा ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है। जनता ने काम और नेतृत्व पर वोट दिया है। विपक्षी दलों के गठबंधन के बाद नेता फोटो में एक साथ दिखते हैं, मगर दिल कभी मिलते हैं। इसलिए तो 27 दिन में इंडिया गठबंधन का हाल देख लीजिए। बता दें कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिली जीत से भाजपा नेता और गठबंधन के नेता खुश हैं। भाजपा ही जीत का जश्न मना रहे हैं। मंत्री संजय निषाद ने राजनीतिक आरक्षण मछुआ अनुसूचित जाति सुरक्षित करने को लेकर किताब लिखी है, जिसके जरिए धोखेबाजों का पर्दाफाश किया गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस किताब ने जबरदस्त संदेश दिया है, जिससे जो हक दे रहे हैं उन्हें समर्थन दिया है। इसकी वजह से दलित, पिछड़े और आदिवासी बहुल क्षेत्र में वोटर्स ने भाजपा को सभी सीटें जिताई हैं। मिली थी और उसमें अच्छे बड़े नेता थे, कांशीराम जी, उन्होंने पूरे देश के लोगों के अंदर एक मैसेज दिया था और मुलायम सिंह भी थे, लेकिन इन लोगों ने उस विरासत को इन दलितों और पिछड़ों के लिए कुछ कर नहीं पाए और उसके वजह से आज मोदी जी उस चीज को पिछड़ों के साथ खड़े हैं, दलितों के साथ। आदिवासी और दलितों ने देखा होगा कि एक मुश्त वोट आदिवासी क्षेत्रों में सारी सीटें हम लोगों ने जीता है, लगभग दलितों के क्षेत्रों में ज्यादा। इसके हम लोग उन्होंने एहसास किया कि नहीं, इन लोगों ने पिछली सरकारों ने केवल इनका दुरुपयोग, वोट लेने के बाद नाम तो इलेक्शन में लेती थी कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनके साथ जो भेदभाव करते थे, आज के दिन में सबसे ज्यादा भूमिहीन आदिवासी हैं और दलित हैं। लेकिन यही सरकारें रहती थी जो अनाज गोदामों में सड़ता था और गांव का गरीब भूखों मरता था। भूखों कौन मरता था जिसके पास जमीन जायदाद नहीं थी। आज के दिन मोदी ने नीति बनाई और अनाज मिला। ये आला पहले भी इलाज करा सकते थे, इतने पैसे तो हुआ करते थे, लेकिन अगर आयुष्मान भारत कार्ड से आच्छादित किया तो माननीय मोदी जी ने किया। अनाज आपने देखा कोरोना में किसके पास अनाज नहीं, वही ऐसे लोग थे जिनके पास खेती बाड़ी नहीं थी, अचानक एक ब्रेक लगा और इस तरीके से मोदी जी सबके साथ खड़े रहे। तो निश्चित रूप से अजूबा है कि सारे जो वोट गए कांग्रेस और सपा बसपा में थे और वो ट्रांसफर मोदी जी के साथ। मंत्री संजय निषाद ने बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने से मायावती का चिंतित होना जायज है। यूपी में 30 साल तक सरकार चलाई, यूपी में दलित के वोट से बसपा की सरकार बनी, ऐसे ही सपा की सरकार भी पिछड़ों की वजह से बनी। दोनों ही पार्टी अपने अपने कोर वोटर्स की विरासत संभाल नहीं पाए। मोदी जी सभी समाज को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दलित, पिछड़े और आदिवासी के साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से भी मोदी जुड़े हैं। जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। गठबंधन धर्म निभाती है भाजपा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की प्रचंड बहुमत हासिल करना गठबंधन की जीत है, क्योंकि भाजपा गठबंधन धर्म का पालन करती है, जबकि विपक्षी दल फोटो में साथ दिखते हैं, मगर उनके दिल एक साथ नहीं दिखते। इसकी वजह कांग्रेस की धोखेबाजी है। कांग्रेस गठबंधन धर्म का पालन नहीं करती है, इसकी वजह से दल गठबंधन करने के बाद भी मेहनत नहीं करते हैं। इसका हाल 4 राज्य के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। इंडिया गठबंधन 27 दिन भी नहीं चला। दल मिला सकते हैं, मगर वोटर्स ऐसे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, जबकि भाजपा गठबंधन धर्म का पालन करती है। 27 साल से भाजपा का गठबंधन सभी दलों से चल रहा है। पीएम मोदी के माइक्रो मैनेजमेंट की वजह से जीत मिली है। पहले की बीजेपी और आज की बीजेपी में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए अब हर दलित, पिछड़ा और हर जरूरतमंद पार्टी से जुड़ रहा है। देखिए, आज गठबंधन धर्म के रूप में भारतीय जनता पार्टी है। 25 साल पूरे की हम लोगों को बुलाया गया था दिल्ली में कि 25 साल पुराना उनका एक एनडीए का जो गठबंधन है वो 25 साल से चल रहा है। तो गठबंधन धर्म भारतीय जनता पार्टी निभाना जानती है। ये 25 महीने नहीं चल पाते हैं, यहाँ तो 25 दिन नहीं चले इंडिया का जो गठबंधन बनाया था। तो उससे क्या होगा कि लोगों के दल तो दिखते हैं एक साथ फोटो में, दिल अंदर से नहीं दिखते, क्योंकि वो कांग्रेस के दुष्परिणाम, कांग्रेस की नीतियों के दुष्परिणाम, उनके षड्यंत्रकारी नीतियां, धोखेबाजी और जो उन लोगों ने उपेक्षा की है उन जातियों के लिए, उसी वजह से संगठन बना। लोगों ने संगठनों के माध्यम से आवाज़ उठाना किया कांग्रेस के खिलाफ, पता चला कि फिर उसको दबाना शुरू किया
अपने पावर से फिर उन्होंने दल बनाया, दल बना के कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए। तो जो दल खुद कांग्रेस के खिलाफ खड़े होंगे हैं वो कांग्रेस का समर्थन करके भी कुछ नहीं करेंगे। नेता तो खड़ा हो सकते हैं, वोटर नहीं खड़ा हो सकता समर्थक। तो ऐसे में कमलनाथ का कहना ठीक है। और जब ये सत्ता में थे तब जाति नहीं याद आती है, और सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब जाति याद आती है। उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री संजय निषाद सोमवार को आगरा पहुंचे। मंत्री संजय निषाद पत्रकारों से रूबरू हुए। सर्किट हाउस में उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास और भरोसे की जीत है। वहीं मायावती पर पूछे गए सवाल पर मंत्री संजय निषाद ने मायावती पर जबानी हमला बोलते हुए कहा कि मायावती बेहद चिंतित हैं और उनका चिंतित होना बिल्कुल जायज़ है। जिस तरह से पूर्ण बहुमत की राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है, उससे मायावती की चिंताएं और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। वहीं गठबंधन पर यानी इंडिया गठबंधन पर योगी सरकार के मंत्री ने जबानी हमला करते हुए कहा कि यह गठबंधन फोटो में एक नज़र आता है लेकिन इनके दिल अभी तक नहीं मिले हैं। कैमरामैन अखिलेश भटनागर के साथ राशिद हुसैन, प्रातः दर्पण न्यूज़, आगरा।